हेलो गाइज, वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्ट्री टैरो। तो आज मैं एक कलेक्टिव रीडिंग करूंगी कि प्यार में आपका उनके साथ भविष्य क्या है, उनके साथ आपका फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है, क्या आप दोनों मिलेंगे, क्या आप दोनों की शादी होगी, क्या आप दोनों एक साथ कमिटमेंट में बंधेंगे, या आप दोनों के रास्ते एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो आपका भविष्य उनके साथ क्या है, क्या है आगे, तो जितना रेजोनेट करे उतना ही आपका है। तो यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल है, तो आपका जो भविष्य है उनके साथ, आपका जो फ्यूचर है वो लॉन्ग टाइम कमिटमेंट है। अगर आपकी बातें अभी इस वक्त नहीं हो रही है, अगर वो इग्नोर कर रहे हैं आपको, तो कोई ना कोई रीज़न हो सकता है। क्योंकि यहाँ बॉटम ऑफ द डेक है फोर ऑफ बैंस एंड टेन ऑफ पेंटिकल। तो आपका फ्यूचर जो है, आपका भविष्य उनके साथ क्या है, क्या है आपका भविष्य उनके साथ। तो यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, एरिज लियो सेजिटेरियस है, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो भी है, एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी है। तो यहाँ पे आपका लॉन्ग टाइम कमिटमेंट है, यानी कि आपकी प्यार की मंजिल उनके साथ ज़रूर मिलेगी। फोर ऑफ वैंस है, आपकी शादी उनके साथ ज़रूर होगी। आप दोनों जो है अपनी फैमिली, अपने बच्चे ज़रूर क्रिएट करेंगे। आप दोनों का भविष्य जो है उज्ज्वल है। अगर ये कार्ड्स नहीं आते तो मैं ये कहती कि आप दोनों के रास्ते अलग हैं, लेकिन बहुत सारे कार्ड्स ऐसे आए हैं जो विश फुलफिलमेंट वाला है, यानी कि आपका उनके साथ जो फ्यूचर है, जो भविष्य है। आप इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा देख लेने के बाद, क्योंकि कार्ड्स इतने अच्छे आए हैं जो क्लेम होना ही चाहिए। आपका फ्यूचर उनके साथ फोर ऑफ वैंस का है, यानी कि एक रिकन्सिलेशन। अगर आपकी बातें उनसे नहीं हो रही है या फिर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो वो आपसे रिकन्सिलेशन भी करेंगे, आपको मैरिज का प्रपोजल भी देंगे, कमिटमेंट भी देंगे, और आपके साथ वो मैरिज के बंधन में बंधेंगे भी, एंड आपके साथ एक हैप्पी फैमिली क्रिएट करेंगे, अपने बच्चे क्रिएट करेंगे। आपका उनके साथ जो भविष्य है बहुत बहुत उज्ज्वल है, बहुत बहुत इनलाइटमेंट है। तो क्वेश्चन यही था कि आपका फ्यूचर आपके पर्सन के साथ कैसा रहेगा, भविष्य कैसा रहेगा। तो यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल है जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को इंडिकेट करता है। तो अभी इन समय इन डिसीजन वाले मोड में है ये, क्योंकि यहाँ हर्मिट है और यहाँ पे सेवन ऑफ सोर्स है। तो कहीं ना कहीं ये आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में होंगे, और ये आपके फ़ोन कॉल, ये मैसेजेस को इग्नोर कर रहे होंगे। इन डिसीजन वाले मोड में है कि आपको कमिटमेंट दे लॉन्ग टर्म के लिए या नहीं दे। लेकिन बॉटम ऑफ द डेक है टेन ऑफ पेंटिकल एंड फोर ऑफ वैंस, तो ये आपको कमिटमेंट ज़रूर देंगे। उन्हें थोड़ा सा स्पेस दीजिए, उन्हें थोड़ा सा आप टाइम दीजिए, जिससे वो डिसीजन लेके वो आपकी तरफ आए। क्योंकि यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स है और यहाँ थ्री ऑफ कप्स है। आप उनके लाइफ की विश फुलफिलमेंट है, जैसा पार्टनर वो चाहते थे आप बिल्कुल वैसे ही है। आप ही के साथ वो जीना चाहते हैं, आप ही के साथ इस जीवन को इंजॉय करना चाहते हैं, आप ही के साथ इस जीवन में हर एक चीज़ आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं, जो खुशियों से भरा हो, जो आपकी विशेष से भरा हो। आपके साथ ज़िंदगी जीने का इनका ख्वाब जब से आप इन्हें मिले हैं तब से ही है। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी टू ऑफ सोर्स है, तो इन डिसीजन वाला है, लेकिन इन्होंने आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में पहले से ही सोच के रखा है। ये बहुत ओल्ड सोल हो सकते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन है, तो आपकी कमी इन्हें पता है कि आप उनकी नीड्स हैं, आप उनकी ज़रूरत हैं। ये आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे बातें। अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो ये आपसे बातें करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आप इस रिश्ते में बैलेंस लाना चाहते हैं, इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है और आपकी विश जो है फुलफिल होगी। आप दोनों का जो फ्यूचर है वो उज्ज्वल है। आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिज लाइफ को इंजॉय कीजिएगा।
यहाँ पे पेशेंस है तो बहुत पेशेंसफुल है, क्योंकि पेशेंस बना के आपकी तरफ ये रखे हुए हैं और इंटेलेक्चुअल और प्रैक्टिकल होके सोच रहे हैं, इसलिए सोच रहे हैं कि आप दोनों में डिस्टेंस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, इसीलिए यहाँ कम्युनिकेशन का भी कार्ड आया। और आप दोनों जो हैं बातें अभी नहीं हो रही है, जिसके वजह से आप दोनों की फीलिंग भी एक दूसरे को नहीं पता है कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचते, फिर भी ये होपफुल हैं, ऑप्टिमिस्टिक है, आपसे ओल्डर हो सकते हैं, ये ओल्ड एज मतलब आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, टॉल हो सकते हैं और थोड़े से शाई भी हो सकते हैं। यहाँ टू ऑफ कप्स का कार्ड है, आप इनके कंपैटिबिलिटी आप दोनों की बहुत अच्छी होगी, यानी कि आप दोनों की केमिस्ट्री, एक फिजिकल केमिस्ट्री हो या फिर स्पिरिचुअल केमिस्ट्री तो है, इसीलिए सोलमेट का कार्ड है, तो आप दोनों सोलमेट हो सकते हैं। और आप दोनों एक दूसरे के लिए ट्रू लव फील करते हैं, आप दोनों की कंपैटिबिलिटी एक दूसरे के लिए बहुत बहुत माइंड ब्लोइंग हो सकती है, इसीलिए दोनों एक दूसरे को अप्रिशिएट भी करते होंगे। तो बहुत फ्रेंडली नेचर इनका हो सकता है और आपने इन्हें इमोशनली सेटिस्फाइड किया है एंड फिज़िकली सेटिस्फाइड किया है, यानी कि फिज़िकली वो आपको इमेजिन भी करते हैं, भले ही वो इंटीमेसी लेवल पे नहीं गए होंगे, लेकिन फिर भी वो एक कंपैटिबिलिटी देखते हैं। आपने उन्हें, क्योंकि आप उनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट है, वो आपको सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं। एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में वो बहुत वेल्दी पर्सन भी हो सकते हैं, यानी कि अपने फाइनेंस के लिए हो सकता है कि उन्होंने आपसे ब्रेक लिया हो, यानी कि उनका फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, कि जिससे आपको वो स्टेबिलिटी दे सके, अपने करियर के लिए उन्होंने आपके साथ ब्रेक पे गए होंगे या फिर ब्रेक लिया होगा कि मेरा फाइनेंशियल कंडीशन या मेरा करियर थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, फिर हम दोनों आगे बढ़ेंगे इस रिश्ते में। तो ये बहुत वेल्दी हो चुके हैं, क्योंकि टेन ऑफ पेंटिकल है, वेल्दी हो चुके हैं, इसीलिए ये आपकी तरफ आएंगे और मैरिज का कमिटमेंट ज़रूर देंगे, इसीलिए थोड़े से पेशेंस बना के ये बैठे हुए हैं और इंटेलेक्चुअल प्रैक्टिकल होके डिसीजन लेना चाहते हैं कि आपकी तरफ ये कैसे बढ़ेंगे और आपको कैसे मनाएंगे, या फिर ये हो सकते हैं कि आपसे बातें भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ट्रैवलिंग भी है, तो ये ट्रैवलिंग करके आपकी तरफ आ भी सकते हैं, यानी आपको आपकी तरफ आएंगे, फिज़िकली जो है फेस टू फेस मिलेंगे और आपको कमिटमेंट का प्रपोजल भी, ये आपको प्रपोज भी कर सकते हैं, ये आपको प्रपोज भी कर सकते हैं। तो चलिए इनके मैसेजेस भी मैं देख लेती हूँ, पहले चार्म निकाल लेते हैं। तो उनकी दिल की चाबी आपके पास है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो आपको मैरिज के लिए फ्लावर देके, यानी कि रोजेस देके आपको प्रपोज करेंगे। बहुत हायर लर्निंग, यानी कि बहुत हायर एक्सपीरियंस वाले पर्सन हो सकते हैं एंड इंट्यूटिवली बहुत कनेक्टेड आपसे हो सकते हैं एंड बहुत ट्रांसफॉर्म हुए हैं आपके लिए, यानी कि बहुत बदलाव अपने आप में लाए हैं, यानी आपके रंग में ही रंग के आएंगे एक तरह से कह सकते हैं। आप दोनों में डिस्टेंस ज़रूर है, ये जो डिस्टेंस तय करके आपसे ये मिलने आएंगे, आपको कमिटमेंट देंगे और कहीं ना कहीं ये जो है सेल्फ रिफ्लेक्शन वाले मोड में है, सेल्फ सर्चिंग वाले मोड में है कि आपकी बातें नहीं हो रही है तो आप क्या फील कर रहे हैं। तो उनके मैसेजेस क्या है, यू आर माय लकी चार्म एंड एवरी मोमेंट वी हैव स्पेंट टुगेदर हैज़ बीन ऑसम। तो आपकी स्वीट मेमोरीज में बहुत नॉस्टैल्जिया फील करते हैं। आई एडमायर योर स्ट्रेंथ एंड आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, वी आर परफेक्ट टुगेदर। तो ये उनके मैसेजेस थे गाइज, कि आप उनके लाइफ, आपको बहुत एडमायर करते हैं और आपके साथ उनका जीवन, वी आर परफेक्ट टुगेदर, और ज़रूर होगा क्योंकि यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे फोर ऑफ वैंस है। तो इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिए, क्योंकि वो आप
आपको कमिटमेंट देने के लिए आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि बहुत बर्डन फील भी कर रहे हैं, यहाँ बर्डन का भी कार्ड है, तो बहुत बर्डन फील भी कर रहे हैं अगर आपकी बातें उनसे नहीं हो रही है तो। इमोशनल बैगेज है जो बहुत ले के ढो ढो के चल रहे हैं, क्योंकि शेयरिंग नहीं हो रही है आपसे। एक व्हील ऑफ फॉर्चून है तो एक डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार है जब वो आपको प्रपोज करे, जब वो आपकी तरफ बढ़े। बहुत रेजिलियंस भी हैं, यानी स्टैंड लेना चाहते हैं आप इस रिश्ते में, हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे, क्योंकि आप जो हो विश फुलफिलमेंट है आप, यहाँ स्टार की एनर्जी है, तो आपके पाकर इन्हें दुनिया की वो सारी खुशियाँ मिल जाएगी जो वो चाहते थे, क्योंकि आपका नेचर बहुत मदरली है, बहुत काइंडनेस है, लविंग है, केयरिंग है, मल्टीपल टैलेंटेड हैं आप, और आपकी जो खूबसूरती है जो बहुत, आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, तो सेंसुअलिटी के वजह से भी वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं। आप दुनिया की सब, उनकी नज़रों में आप दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे ब्यूटीफुल लेडी हैं या फिर मेल हैं। आपका नेचर बहुत मदरली है, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा है, जिसके वजह से अट्रैक्शन फील करते हैं, एंड आप डाउन टू अर्थ हैं, मल्टीपल टैलेंटेड हैं, जिसके वजह से ये बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं। आप ऐसे पर्सन हैं जो केयरिंग, लविंग, नर्चरिंग है, नर्चरिंग एक माँ के जैसी, और यहाँ स्टार की एनर्जी है, बहुत होपफुल हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं ये, आपकी सेंसुअलिटी पर ये बहुत फिदा होते हैं, क्योंकि आपने जिस तरीके से अपने आप को संभाल के रखा है, शायद ही कोई ऐसा रखता हो। इनके नज़रों में आप बहुत स्टार के जैसा दिखते हैं, और लॉन्ग डिस्टेंस है आपका, एंड एक्वेरियस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, और आपकी जो एनर्जी है ये पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ स्टार की भी एनर्जी है। हीलिंग पर्सनालिटी है आपकी, आपकी ऑरा जो है इन्हें बहुत हील करती है, हैप्पीनेस फील कराती है, एक सन वाली एनर्जी, एक हैप्पीनेस ग्रोथ फील कराती है। आप बहुत अबेंडेंस है अपने लाइफ में, बहुत स्टेबल हैं अपनी लाइफ में, जिस भी फील्ड में आप काम करती हैं या नहीं भी करती, डाउन टू अर्थ है, बहुत अबेंडेंस एंड ग्रोथफुल हैं आप अपने लाइफ में, स्टेबल हैं आप, इसी के वजह से ये आप को कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि जब जब आप इनके लाइफ में जाएंगे तो ये अबंडेंस और भी ज़्यादा फील खुद ब खुद मिल जाएगी। घर की लक्ष्मी बोल सकते हैं, या घर के अगर आप मेल हैं तो आपकी लक्ष्मी है, अगर आप फीमेल हैं तो आपको ये मानते हैं। और यहाँ स्ट्रेंथ है तो आपके लिए बहुत पैशनेट भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, और फाइनेंस की वजह से आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है, लेकिन ये मैरिज के लिए आपको प्रपोज कर सकते हैं। एक रोमांटिक क्वालिटी टाइम आपके साथ बिताने ज़रूर आएंगे ये, और इसी तरीके से रोजेस लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ रोजेस भी है, आप देख सकते हैं, ये रोजेस लेके आपकी तरफ आएंगे। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, थैंक यू सो मच।